नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखीमपुर खीरी की खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में रविवार को हुई हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी पुलिस ने खुद इस बात की पुष्टि की है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मरने वालों में से 4 किसान थे, जबकि बाकी के 4 लोग जो थे वो कार से तिकुनिया बनवीरपुर रोड पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करने पहुंचे थे। आपको ये भी यहाँ पर बताते चले, उसी रोड पर मंत्री के दौरे का विरोध करने के लिए किसान जमा हुए थे। तीन से 3:15 बजे के बीच की यह घटना है, जिसमें कि कृषक लोग रोड के दोनों साइड खड़े हुए थे। एक विपरीत दिशा से आती हुई 3 गाड़ियों ने उनपर उनसे एक्सीडेंट हुआ है और उनके ऊपर उनके तो उस गाड़ियों से दबने से कुल 4 लोगों की डेथ हुई है। इस संबंध में संबंधित के द्वारा प्राथमिकी हमको दी गई है और हम प्राथमिकी को दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर आरोपी आशीष मिश्रा ने कहा है कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। आशीष मिश्रा ने दावा किया है कि हिंसा में BJP के 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, जबकि 2 से 3 कार्यकर्ता लापता हैं। कुछ उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, वो लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया, हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, वहीं लाठियों से पीट पीट करके मार दिया। मैं तो बनवीरपुर में ही था सुबह 9 बजे से लेके कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुँचा। तो चूँकि मैं भी किसान हूँ तो किसानों का भी सहयोग है, नौजवानों का भी सहयोग है, सबका है। तो हो सकता है कि कुछ उनका रहा हो, उनको पसंद ना हो, हम इस तरीके से राजनीति करके उन लोगों ने करा हो, भाई भगवान। हमारे भाई सब 4 कार्यकर्ताओं की हत्या की पुष्टि हो कर दी, 4 कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं की हत्या करी गई है, बाकी 2 से 3 कार्यकर्ता हमारे अभी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और हमारे सहयोगी आलोक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। आलोक, लखीमपुर खीरी घटना में खुद जिसको आरोपी बनाया गया उसने साफ तौर पर कहा है कि वो वहां पर मौजूद नहीं था, और क्या कुछ अपडेट और जानकारी है आपके पास? जी श्वेता, गुड मॉर्निंग। देखिए, लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो बहुत ही कहा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि दोनों तरफ से 4-4 लोगों की मौत हुई है, टोटल मिला के 8 लोगों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन खास बात यह है कि जो 3 गाड़ियां थी कॉन्वोई जिसको बताया जा रहा है, उनमें से एक गाड़ी जो है वो जो मंत्री हैं MOS अजय मिश्रा उनके बेटे की बताई जा रही है, और उनका ड्राइवर ही था उसमें, क्योंकि गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पुलिस की जांच में पता चला है कि वो मंत्री जी के ही नाम पे है गाड़ी। तो एक बात तो ये साबित होती है कि उन्हीं के ही कन्वॉय और उन्हीं के ही काफिले की गाड़ी है। हालांकि मंत्री खुद बात बोल रहे हैं कि उन्हीं का ड्राइवर है, कुछ उनके ही लोग थे जो कन्वॉय में थे। कैसे ये घटनाक्रम पूरा हुआ ये अभी तक पुलिस ने क्लियर नहीं किया है। लखीमपुर खीरी की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्लैरिटी इस बात की नहीं आ रही है कि क्या किसानों ने हेलीपैड पर जा करके जो जब इनका काफिला निकल रहा था वहाँ से मंत्रियों का, तो क्या उनको रोकने की कोशिश की तब हुआ, या किसान या इन्होंने गाड़ी पहले ही चढ़ा दी, क्या हुआ, क्लैरिटी अभी भी नहीं है। लेकिन बात यह मैं बता दूं कि हुआ ये था कि वहाँ पर तिनुकिया गांव है, और उस गांव पे जो है एक कुश्ती का कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें डिप्टी CM जो हैं उत्तर प्रदेश के वो आने वाले थे, और साथ ही साथ जो MOS होम है अजय मिश्रा उनको आना था, उनका ही ये जो संसदीय क्षेत्र भी है MOS होम का ही। तो वहाँ पर किसानों ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो काले झंडे दिखाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे और जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस बंदोबस्त है, तो उसी दौरान जो है झड़प हुई है, और झड़प के दौरान ये घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है और जांच किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, और यहाँ पर पुलिस ने प्रशासन
की तरफ से निर्देश को देखते हुए थोड़ा और कहा जाए तो देखिए, ये मेरे कैमरा पर्सन आमिर आपको दिखा रहे हैं कि ये जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का, हालांकि जो यहाँ के किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं, चले गए हैं लखीमपुर खीरी और पहुँच भी गए हैं, लेकिन क्योंकि किसानों का अच्छा खासा यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जमावड़ा है, तो किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसलिए पुलिस बंदोबस्त कर रही है। देखिए सड़क पर जो है बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया है पुलिस ने। ये एक रास्ता है जो कि दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ जाता है, इसको भी रोका जा रहा है ताकि कोई भी कहीं से भी लोग ऐसे इकट्ठे ना हो और किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। सर ये अभी रोकने का कुछ खास कारण है? कहीं नहीं रोका, ट्रैफिक चल रहा है। सर ये बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? रोका है, चेकिंग चल रही है। कहाँ सर? ये देखिए ना, बैरिकेड लगा दिया है आपने। चेकिंग चल रही। चेकिंग किस कारण से सर? क्या चीज़, किस बारे में चेकिंग कर रहे हैं सर? चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा तो बताइए किस चीज़। चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति कर रहे हैं, लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि किसानों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना सर, रोड ब्लॉक चेकिंग कर रहे हैं भाई, चेकिंग कर रहे हैं। तो ये ऐसा कहना है जो यहाँ पर ऑफिसर हैं कि चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की। तो अब ये देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या होता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर किसान जो हैं किस लखीमपुर खीरी की तरफ चले गए हैं, लेकिन जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर जो है गाज़ीपुर का, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है, गाज़ीपुर का ये गाज़ियाबाद का क्षेत्र है, तो यहाँ की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और यहाँ पर किसानों का जो पिछले एक साल से, लगभग पिछले 10 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट है। तो ये एक मेन साइट है प्रोटेस्ट की। जी जी, आ लोग हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि प्रियंका गांधी को हर गांव में गिरफ्तार किया गया है। एक वीडियो भी कांग्रेस नेता श्रीनिवास की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें प्रियंका गांधी और पुलिस वालों के बीच बहस हो रही है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने नेताओं के वहां जाने पर रोक लगा दी है। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रही है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला को कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। और सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी आलोक सिंह हमारे साथ बने हुए। आलोक, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, हालांकि जो वीडियो एक ट्वीट किया गया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, उनको डिटेन करके और कहा जाए तो नज़रबंद करके रखा गया है। बताया ऐसा जाता है कि उनको एक पुलिस में ही, पुलिस स्टेशन में ही रखा गया है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद छोड़ भी दिया जाए। लखीमपुर खीरी के बॉर्डर का जो क्षेत्र है वहां पर उनको रोका गया था। प्रियंका गांधी कल दोपहर जब घटना हुई है, शाम को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, लखनऊ पहुँच गई थी। दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर भी हैं और हरियाणा से आते हैं, वो भी उनके साथ में मौजूद थे। दोनों का काफिला निकला था और जैसे ही वो लखनऊ से निकलने लगी, सबसे पहले उनको लखनऊ में रोका गया, दूसरा उनको रोका गया सीतापुर में जब वो रास्ते में पड़ी, और फिर जब वो लखीमपुर पहुंची हैं तब वहां पर रोका गया। काफ़ी ज़्यादा उनसे रिलेटेड वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनके साथ रोका गया, कई जगह उनकी आर्गूमेंट हुए पुलिस के साथ।
जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो नहीं चाहती किसी भी तरीके से और ज़्यादा राजनीति हो। हालांकि थोड़ा मामला पूरी तरह से राजनीतिक में बदल गया है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है उसको देखते हुए सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन पार्टी हैं, वो इस पूरे मामले को अपने तरीके से इसको भुनाना चाहती हैं। कहा जाए तो कल भी हमने देखा कि कल शाम को केवल प्रियंका गांधी ही नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा जो BSP के नेता हैं वो भी निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। जो चंद्रशेखर आज़ाद है जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है दलितों की, वो खुद निकलना चाहते थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया था सीतापुर में ही, और उनको बताया जाता था उनको भी डिटेन करके कहीं अनडिस्क्लोज लोकेशन पर रखा गया है अभी तक। साथ ही साथ अखिलेश यादव वो भी अपने घर से निकलना चाहते थे, उनके घर के बाहर सुबह सुबह ही सिक्योरिटी लगा दी गई। तो इस तरीके से अभी पुलिस जो है वो किसी भी तरीके से नहीं चाहती है सरकार के आदेश पर कि जो नेता हैं, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, वो वहाँ पर पहुँचे लखीमपुर में, क्योंकि किसानों ने जो है, हमें पता चल रहा है कि जो बॉडीज़ हैं किसानों की जिनकी डेथ हुई है उनको सड़क पर रख करके जो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। बाकी पूरे भारतवर्ष में कॉल की गई है कि जो किसान हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रोटेस्ट करें इस पूरे मामले पे, और पुलिस से और सरकार से ये अपील करें कि इस मामले में जांच हो और दोषियों को सजा मिले। तो ये है पूरा प्रकरण। फिलहाल जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लखीमपुर खीरी की, टेंस सिचुएशन है, पुलिस जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाएँ। जी 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 आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।